दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुणभूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। दर्शकों हम इस वक्त खड़े हैं गोपुर तिनाली, यानी जो गोपुर है यहां हम लोग खड़े हैं। और आप सभी को पता है पूरे विश्व में, और यूँ कहें कि पूरे भारतवर्ष में जो कोरोना का महामारी लगातार चल रहा है, तो इसको लेते हुए सभी लोगों का मतलब हमेशा मुसीबत में लोग रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा मुसीबत जो है स्ट्रेस जो वेंडर होता है, यानी जो सड़कों पर मतलब अपना सब्जियाँ बेचते हैं, उसको ज़्यादा मतलब तकलीफ हुई है। लेकिन ये जो महामारी जो लगातार यहाँ पर जो बंद चल रहा था, इसको लेके अरुणभूमि ने लगातार कोशिश किया है कि आपको दिखाने के लिए। लेकिन आज हम आप सभी को बताएंगे कि गोपुर तिनाली में कुछ ऐसे हादसा हुआ है जो मतलब कभी होना नहीं चाहिए। लेकिन हमने लास्ट टाइम भी ऐसे न्यूज़ बनाया था कि सरकार कभी जो स्ट्रीट वेंडर को लेके, यानी जो डेली वेजेस को लेके कभी मतलब सरकार उनके लिए नहीं सोचते हैं। तो ऐसे ही मतलब कल ऐसे घटना यहाँ पर गोपुर तिनाली में हुआ है, ऐसे हमको खबर मिली है। और हम यहाँ अभी गोपुर तिनाली में पहुँचे हैं जहाँ पर मतलब ये घटनाएँ हुई है। और यहाँ का जो स्ट्रीट वेंडर, यानी जो चिकन मतलब जो मुर्गी मीट जो बेचती है, उनका माँ का यही शिकायत था कि कल यानी 5:30 के समय कोई पुलिस वाले यहाँ पर आया था। उसके बाद उन्होंने ये बताया, पुलिस वाले आ करके उनको सही से मतलब बातचीत नहीं करके उनका मीत को यहाँ से लेकर के सड़क में फेंक दिया। मैं अपने जो कैमरा पर्सन से कहूँगा, सड़क यहाँ मतलब यहाँ से मीट को उठाकर यहाँ फेंक दिया गया था, ऐसे बता रहा है जो यहाँ पर जो जो मतलब चिकन बेचते हैं। तो अभी इस चीज़ को और अधिक जानकारी के लिए हम लोग उन्हीं से बात करेंगे कि उनका साथ जो घटना हुआ है किस तरीका का हुआ है, क्योंकि उन्होंने खुद बताया है कि पुलिस वालों का जो है रवैया जो है ठीक नहीं था। तो अब देखना ये है कि जो मतलब कानून बनाता है, जो हमारे लिए जो हिफाजत के लिए रहता है, अगर वही कानून को तोड़ेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार लेगा या फिर पुलिस डिपार्टमेंट लेगा? अभी ये बड़ा सवाल है। तो इसी के जो मतलब जो यहाँ पर मछली जो चिकन बेच रहे थे, उसी माँ से हम लोग जानते हैं कि उनका साथ जो घटना हुआ है उनका क्या है। आप है तो आपने हमको फ़ोन किया था अरुणभूमि चैनल को कि कल आपका यहाँ में कुछ घटना मतलब कुछ इंसिडेंट हुआ है पुलिस वालों के साथ में, आप क्या बताना चाहें उसको लेकर के? ये गोपुर का ये तिरियाली में ये कल का 21 में ड्यूटी करने वाला हमारा एक तो मिंजर है बोला है, वो जो उस दिन से हमको हरकत कर रहा है 19 शाम को भी हमको ऐसे हरकत किया है। यहाँ हम लोग मीट करने से भी दिन को 2 बजे सीलिंग नहीं होता है, शाम को हम अच्छा से उसको बात किया है, तो कल भी ऐसे हुआ है। हम शाम को पर्स 29 का आगे बता देगा आप लोग को। इसमें हमको ऐसे बोला, यहाँ ये लोहा दुकान बिसने वाला सीमेंट बिसने वाला भाई लोग आके हमको मीट 2 किलो मंगा है, तो दिन को मीट सीलिंग नहीं वाला को उन लोग को हम 2 किलो देगा। तो इसे बोल के हम कटने के लिए किया, तो तारी उधर से आके एक जो हमको बोला आयु टाइम हो गया क्या पूछा? हाँ समय तो हो गया बेटा, मेरा अभी मीत तो दिन को सीलिंग नहीं हुआ है, टाइम जो ऊपर वाला है टाइम बनाया 2 बजे, उसमें हम लोग का मीत जो सीलिंग नहीं हो रहा है, इसलिए हम अभी मेरा जान पहचान वाला मीत को ले दे रहा है, उसको दी के हम चला जाएगा बोला। तो वो अभी का मारा वाला दारी ऊपर से ये ऊपर से आके दारी मेरे मित्र का पोजी को बोलने लगा, कौन थे बोल के परसों 29 दिन का हम आगे बता रहे हैं आप लोग को, 19 को 19 दिन का वो सुनीपुर में 70 देवे। तो उधर मीट को यहाँ से लेके उधर फेंक दिया, फिर बोला हम लेके आया सर इससे मत करो ना, हमको आगे देने दो बोला, फिर लेके फेंक दिया दो बार ऐसे होगा। और उसके बाद हमको बोला हम होगा ठीक है आप लोग को बोलना पड़ता हो गया हम चला जाएगा, मेरा मीत को बांध के अपना घर ले गया। फिर उसी से हम बोले अच्छा ये दुकान को हम नेक्स्ट टाइम आने से माफ नहीं करेगा, हम ऐसे हॉर्निंग दे के चला गया। फिर कल जो अकाल का दिन में 21 है ना, संडे जो 20 था, 21 में फिर वो आदमी जो आया है डारे उधर से स्पीड आया है, तो बोला जल्दी बंद करो हमको इतना दोहराया सर, आया सर आप उस दिन भी हमको गाली दिया, अभी दारी बंद करो, दारी बोलो ना हम बंद कर देगा ना, हम बंद कर देगा ऐसे मत बोलो ऐसे बोला, तो बंद करो नहीं बोले। तो इतना उसके बाद मेरा ये को टेबल को ऐसे बोल जैसे ऐसे पंचिंग जैसे मारा, ऐसे टेबल का पंग पंग मारा, वो मक्खी मारने वालों को पंग पंग मार के फेंक दिया। तो हम बोला सर ऐसे मत करो ना, गुस्सा होते रहता, हम इसे रिक्वेस्ट किया। और उसके बाद में वो मेरा ये को
हम बोला अरे सर बुलाता तलो पुतम सर जो बोला चे बाजी में बोन करो बुलाता तो बोला कहा में सुना कहा में दिखा बोल के मेरा मित को पीक दिया उधर रास्ता में। कल का समय कितना था उस समय जब पे उस समय 5:15 लगभग 15 होगा नहीं तो ये होगा 10 मिनट ऐसे होता था होगा। हम भी क्या नहीं है दे ये टाइम तो मालूम नहीं वो जागरा होगा बिल्कुल हम तो टाइम मालूम नहीं है ठीक है। उसका वो पीने के बाद मैं गुस्सा होके तो हम वीडियो वो हमको वीडियो करने कर रहा हम भी वीडियो करेगा ठीक है तुम्हारा क्या हालत अच्छा है ना मेरा क्या हालत तुम ऐसे नहीं बोलना है अपना पोजी होके हम बड़ा अच्छा से बात हम अच्छा से बात किया है पोजी भाई होके आप बोन करो बोलो और अच्छा से बता दो टाइम को बता दो अब ऐसे क्यों गुस्सा करता है हम इतना अच्छा से बोला है उसको ना अच्छा से बोला है अच्छा से बात किया है अब इसे झगड़ा नहीं करना है बोल के टाइम को हम लोग कोई कुल मालूम नहीं होता है तो ना और ऐसे पहुँची होके हम लोग दुकानदार को सबको ऐसे झगड़ा करना अच्छा नहीं है ना। और आपका ये लोग गवर्नमेंट भी आप लोग कूद दिखो पहुँची होके पहुँची हम लोग को इसे टाइम को बताना है समय को बताना है जबरदस्ती करता है तो ठीक है झगड़ा करो मीत पीको कोई बात नहीं है हम सब कोरोना ये मीत फेंकना तो बहुत खराब चीज़ है ना। सब खराब चीज़ है इसके लिए मैं दुख है इसलिए हम आपको बुलाया है मेरा अच्छा नहीं है फौजी होके हमको ऐसे हरकत कर रहा है हमको ऐसे करना अच्छा नहीं है और हम लोग को ऐसे हम लोग तोड़ा मोड़ा करके तो खाते तो ना मेरा मीत को करब से पीका है और हमको करब से झगड़ा किया वो ले 3 पुलिस आया था एक लेडीज था लेडीज को भी बात करने नहीं देखा वो मैनेजर होके हमको इतना तक टॉर्चर करता है इतना खराब हरकत किया है और यहाँ रनिंग मार के ये दुकान को पंग पंग मारा ये सब दुकान खुला था किसी का भी बोन नहीं है सब खुला है किसी को भी झगड़ा नहीं किया है किसी को भी बोन करो नहीं बोला है हमको शुरू लगा है हमको एक टारगेट जैसे दूसरा शाम को हॉर्निंग दिया और संडे का दिन में मंडे का लेट कर हर तक हमको इतक किया है इसलिए हम दुख है। तो आप इसको लेके जो आपका साथ हुआ है जो आपका मीत को पेका है इसको लेके आप डीसी उसका बाद पुलिस का जो बड़ा ऑफिसर होता है उसको आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहता है गवर्नमेंट को भी उसको हम रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट जो वो आदमी को क्या एक्शन लेगा उसको जल्दी से एक्शन लियो नहीं तो हम कुल्लू को और दोबारा ऐसे होने मत दो हम लोग भी नहीं चोरेगा वर्दी होने से भी हम नहीं चोरेगा हमको दो बार ऐसे किया है क्रीम क्या उसके लिए हम भी नहीं चोरेगा इसलिए गवर्नमेंट आपका पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा ऑफिसर ना उसको एक्शन ले किस लिए ऐसे किया है हम लोग का पब्लिक के लिए आपको ड्यूटी दिया है टाइम बताने के लिए समय को बताने के लिए दिया है तो ना उसको अच्छा से करो। हाँ ये है उसके बाद ये माँ ने एक वीडियो बना के रखा एक वीडियो माँ ने बनाया वो वीडियो को थोड़ा सा दिखाएंगे वो समय एक था ना वीडियो का समय एक था उसको थोड़ा दिखा दीजिएगा वो कब बनाया जब वो पुलिस को बात करते हुए माँ ने वीडियो बनाया ये हम लोग को पहुंची जो टाइम भी बताया ही नहीं है आप ऐसे ऐसे समय में बंद करना है आप बताया नहीं है बताया नहीं है कोई लोग तो ये समय भी नहीं जानता है तो हम लोग मोबाइल नहीं पहचानने वाला कहाँ से टाइम को जाने का सोचो ना। ये मैं अरुण भूमि के जो लाइव दर्शक में बता दो ये माँ ने एक वीडियो बनाया था ये वीडियो कितना 5:30 बना मतलब ये घटना होने के बाद में झगड़ा मीत को फेंकने के बाद झगड़ा होने के बाद जब पुलिस से बातचीत कर रहा था पूरा होने इंसिडेंट होने के बाद माँ ने बात करते हुए पुलिस को बात करते हुए वीडियो बनाया था और ये जो है 5:30 में वीडियो बनाया है तो और समय भी यहाँ दिखाया हुआ है अब डिटेल को चाहिए ये देखिए ये समय है ठीक 5:30 को हुआ है 5:30 मतलब माँ ने जिसे बताया जो 5:15 या 10 में जो हुआ था वो सही घटना है क्योंकि दुकान को बंद करने का समय 5 दिया होगा लेकिन 6 तक मतलब क्लोज होना है लेकिन इस चीज़ों को मतलब पुलिस जो ड्यूटी में था वो जो सही से बोल करके माँ को सही से बताकर उसको ये बोल सकता था कि दुकान को बंद कर दीजिए लेकिन सवाल ये है कि मीत को फेंकना ये कहाँ तक सही है और एक पुलिस अधिकारी जो है किसी का जो दुकान से मीत को उठाकर फेंकना ये कहाँ तक जायज है ये बड़ा सवाल है। इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है इस पर पुलिस डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेती है ये बड़ा सवाल है। उसके बाद यहाँ का कोई चश्मदीद भी है जो ये घटना जब हुआ था जिन्होंने देखा है तो उस चश्मदीद से भी हम लोग बात करेंगे कि उस समय कल यानी यहाँ पर क्या हुआ था। ये अंति आप पहले बता रहा था कि कल आप जो घटना हुआ आप देखा है बोल रहा था कैसे हुआ वहाँ से आया वो पुलिस गाड़ी जो वहाँ से आया ना
तो आके कोई 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 बजा के वहाँ में रुक गया। रुकने के बाद मैं आया तो दुकान बंद करो, दुकान बंद करो बोला। हाँ जी हम लोग बंद करो बोले। मेरे मिस्टर से बंद करने शुरू कर दिया। तो आने के साथ तो उसको टॉर्चर लग गया, क्यों बनने किया उस दिन को भी तुम बात नहीं सुना, आज भी ऐसे किए बोल के ऐसा करके उसको ठक 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 करके टेबल में मारा है। टेबल को मारने के बाद में मुर्गी को भी उठा के फेंक दिया, पूरा उठा के फेंक दिया जी। एक तो मुर्गी को रास्ते में फेंक दिया। तो उसके बाद में हम लोग तो बंद करके तो तरगुला रहा था, हम लोग अंदर बंद करके घुस। ये मीट को फेंकना आपको सही लगता है? नहीं नहीं बहुत गलती है सर, ये बहुत गलती है। तो ये चश्मदीद है, उसके बाद कोई अगर यहाँ में है तो मैं उनसे भी जानकारी, ये इनका दुकान है, चलिए ये हम लोग यहाँ चलेंगे, इनसे हम लोग बात करेंगे कि इनका साथ क्या हुआ है। आप देखा है उन घटना को, आप क्या बताना चाहेंगे जो अरुण भूमि जो दर्शक देख रहे हैं? वो जो पुलिस जो फेंका है बहुत गलत फेंका, और वो जो मेन जो दारू दुकान आपका है? मेरा ये मेरा दुकान को भी आके एक दमादम ऐसे मर रहा था। हाँ। जब मारते समय में ये जो तान होके ना गिरने से उसका ही माथा में लगना था। अच्छा, अच्छा। इसका बाद जो मुर्गी को उधर एक ऑटो जो वहाँ में रखा, ऑटो में लग के जो नीचे गिर मुर्गी को हम ही उठा दिया। अच्छा अच्छा। इसका बाद जो नशा भी था, जो दारू पी के आया था पुलिस जो नशा ही था, और रोज यहाँ में आके दारू पीता, हम तो हमेशा ही देखते रहते पुलिस को, हमेशा देखते है। लॉकडाउन से पहले से यहाँ जो PCR में ड्यूटी करता हूँ, काका में दारू पीता हूँ, उनको पूरा पता है। जो हुआ है आपको क्या लगता है, सही हुआ है ना गलत हुआ है? बहुत गलत हुआ है, हम भी वही। आप क्या अपील करना चाहता है? वही गवर्नमेंट से वही अपील करना चाहता हूँ, उसको कुछ एक्शन ले जाए, नहीं तो बाद में कल को कुछ हम लोग को नहीं दूसरा और को भी कुछ करने से बहुत तकलीफ होगा। और इसके बाद ये इधर भी बार बार आके ऐसे करते हैं आदमी, तो और एक बार दो बार माफ कर देगा, कितना बार आदमी को ऐसे करते रहेगा ना, बाद में कुछ हम लोग को भी गलत होने मत दीजिए ना। उसके लिए सरकार से वही अपील, पुलिस ऑफिसर को कुछ एक्शन लिया जाए। चलिए ये है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अरुण भूमि चैनल जो हम लोग ये चला रहे हैं कि लास्ट टाइम भी हमने जब न्यूज़ बनाता है ये बोला था कि जो स्ट्रीट जो वेंडर होता है उसके बाद जो डेली वेजेस होता है उसको बहुत इस लॉकडाउन के दौरान मतलब जो महामारी के दौरान बहुत मतलब जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ये है कि जो स्ट्रीट वेंडर होता है उसके बाद जो डेली वेजेस होता है इसको अपना बच्चा को संभालना पड़ता है, उनके बाद परिवार को चलाना पड़ता है, साथ साथ जो दुकान का जो किराया उसको देना पड़ता है, घर का किराया देना पड़ता है। हमने लास्ट टाइम भी हमने न्यूज़ चलाया है। अभी ये देखना ये है कि जो कानून व्यवस्था को जो देखता है वही अगर कानून का जो रक्षक जो है अगर भक्षक बन जाएगा तो ये कहाँ तक सही है, ये बड़ा सवाल है। तो अरुण भूमि चैनल को जो है कल शाम को इस घटना के बारे में हमको शिकायत की गई थी, और हमने सोचा कि इस घटना को लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिक्कत वाला चीज़ है कि स्ट्रीट वेंडर को अगर पुलिस द्वारा ऐसे किया बर्ताव किया जाता है तो ये बहुत गलत है। लेकिन मैं आपसे लास्ट में आप कुछ और बोलना चाहते हैं? बोलना चाहता है, और सर हम जो ये नेक्स्ट महीना में मेरा बच्चा लोग को सब पॉजिटिव है बोल के, मेरा बच्चा क्वारंटाइन में था ये बच्चा, और बच्चा तीन बच्चा का पूरा और मेडिकल में बैठ के हम लोग लॉकडाउन अंदर में सब बैठा है। मैं कल परसों निकल के ये तोरा मर्गी कल परसों दो तीन दिन है हम शुरू कर रहा है, और मैं गुलती होता है तो वो कल का करने वाला हमको देखो ना ये न्यूज़ का अरुण भूमि का न्यूज़ से, और हम कुछ भी चोरी छुपा भी नहीं किया, हम काम करने से भी ईमानदारी से करेगा, बोलने से भी ईमानदारी से बोलेगा। और मेरा यहाँ का कैपिटल DC और मजिस्ट्रेशन और ये लोग ये हम लोग का ये गवर्नमेंट लोग आप लोग उसको जल्दी से जल्दी ये काल का हमको हरकत करने वाला को आप लोग जल्दी से ऑफिसर लोग ना उसको एक्शन ले दीजिए, जिसे भी एक्शन कर दीजिए। और यहाँ अपुंग पी के ड्यूटी करने के लिए रूल नहीं है, और दूसरा का इसे मारपीट धमका करने के लिए रूल नहीं है। फौजी जो फौजी पब्लिक का ले सभा करने के लिए आया, इसलिए कैपिटल का जितना ये लोग नेता लोग उसको एक्शन ले जाए बोल के मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए चलिए, तो ये था माँ का यही कहना है कि जो पुलिस अधिकारी है उसके बाद जो सरकार है उनको मतलब जो उनके साथ जो कल घटना हुआ है इस चीज़ को लेकर के मतलब एक्शन लिया जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूँ ऐसे कोई स्ट्रीट वेंडर जो होता है जो अपने परिवार के लिए जो छोटा सा दुकान खोल के जो चलाता है तो उसको अगर ऐसे मतलब अन्याय किया जाता है तो ये कहा किस हद तक मतलब सही है, ये बड़ा सवाल है। आप सभी को मैंने बताया कि जो स्ट्रीट वेंडर होता है उसके बाद जो डेली वेजेस वाले जितने भी होता है ये महामारी के दौरान इनको बहुत मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनको ये चुनौती रहता है कि उनको अपना परिवार को चलाना है, उनके परिवार के जो बच्चे होते हैं उसको स्कूल की फीस देना होता है, उसके बाद घर के रेंट को देना होता है, ये छोटा सा दुकान जो लगा हुआ है इसका रेंट देना होता है। तो अभी एक पुलिस अधिकारी, मैंने बार बार बोला एक पुलिस अधिकारी जो है कानून को कानून व्यवस्था को जो देखता है वही कानून व्यवस्था का मतलब गलत फायदा उठाता है तो ये कहाँ तक जायज है, ये बड़ा सवाल है। तो हम अरुण भूमि ये चैनल के माध्यम से मैं सरकार और उसके बाद जो पुलिस डिपार्टमेंट उसके बाद होम मिनिस्टर को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट जो DC है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन अधिकारी को
आइडेंटिफाई करके उनको जल्द से जल्द जो सजा होता है इसे दिया जाए, नहीं तो कल को अगर पुलिस ही जो कानून व्यवस्था देखता है अगर ऐसे काम करेंगे तो जनता कहाँ तक मतलब सुरक्षित है, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए अरुण भूमि में दर्शक जो लाइव पेज को देख रहे हैं आप सब अरुण भूमि में बने रहिए, हमारा कोशिश यही है कि ऐसे सटीक खबर को आप तक पहुँचाना, जहाँ पर जो गलत होता है और जहाँ पर जो सही भी होता है इस चीज़ों को पहुँचाना हमारा मकसद है। और दर्शकों मैं आप सभी से अपील करूँ कि अभी महामारी का समय है, आप हमेशा मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए SOP को मेंटेन कीजिए ताकि आप सुरक्षित रह सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।